हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अनुराधा मेहता लाइफ स्टाइल में। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम सर्दियों का जान सत्तू का पराठा बनाने जा रहे हैं, जो लगभग सभी को पसंद आते हैं और सर्दियों में सबको खाना पसंद करते हैं। तो उसके लिए भी हम 250 ग्राम सत्तू लिए हैं और चॉप किया हुआ धनिया, चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ प्याज भी ले लिए हैं। एक बड़ा साइज प्याज है और धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं चॉप करके, या फिर स्किप कर सकते हैं। तो अभी हम सब डाल लिए हैं, उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, लगभग 2 टेबलस्पून। तो अभी हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ही इसमें पानी डालें। तो अभी हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। इसको गूंथना नहीं है, बस मिलाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। तो देखिए, अभी हम गूथ ले रहे हैं, गूथ मतलब मिला रहे हैं पूरा अच्छे तरह से। तो देखिए, अभी मेरा गूथ के रेडी हो, मतलब मिक्स कर दिए हैं अच्छे से। तो इसे अभी हम एक बॉल में रख रख देंगे, थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तो इधर हम आटा का डो लगाएंगे, तो उसके लिए भी हम आटा ले ले रहे हैं। तो मेरे घर में मेम्बर 5 है, उसके हिसाब से हम आटा गूथ लेंगे। तो अभी हम आटा लेके ले लेते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए ताकि पराठा सॉफ्ट बने, और थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल दी क्रश करके, ताकि फ्लेवर थोड़ा बढ़ जाता है क्रश करने से। तो अभी क्रश करके डाल देंगे इसमें। उसके बाद सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार नमक और इसको। तो चारों तरफ मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, उसके बाद गूंथ के रेडी करेंगे। एक ही बार ज़्यादा पानी डालने से ना आटा गीला हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे आटा का डो बना लेंगे। तो भी हम डो बनाते हैं। किनको किनको सत्तू का पराठा अच्छा लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम नए हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट कीजिए मेरा, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और आप लोग के जैसे हम भी आगे बढ़ सकें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। तो इधर भी हम डो रेडी कर ले रहे हैं खुद के लिए, अभी हम डो बना लिए अच्छे से। उसके बाद इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए रख दिए हैं, और हम इसे लकड़ी का चूल्हा में बनाएंगे। तो उधर हम तवा रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और इधर आप लोग भी ऐसे ही बना के ट्राई कीजिएगा। सत्तू का पराठा बहुत यम यम लगता है खाने में, और एक की जगह 2 पराठा आप खा लीजिएगा ऐसे बनाइएगा। तो अभी हम देखिए आटा कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो इससे भी हम लोया बनाएंगे, दो लोया बनाएंगे, आप लोग को 2 रोटी बना के दिखाएंगे, उसके बाद हम बना लेंगे बाद में रोटी बनाएंगे। तो रोटी नहीं पराठा बनाएंगे। तो अभी हम सत्तू भी देखिए कितना अच्छे से ये हो गया, पानी इसमें भींग गया है चारों तरफ से। तो अभी हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे बर्तन लेके आटा का, ताकि अच्छा इजीली भरा जाए इसमें सत्तू। तो देखिए अभी बेल लिए थोड़ा सा, उसके बाद जितना इसमें सत्तू ले उतना भर लेंगे।
भर के अच्छे से चारों तरफ से दबा दें ताकि सत्तू बाहर ना निकले, और इसे अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा आटा फिर से लगा लें और बेलना से बेल लें। जितना बड़ा साइज आपको चाहिए उतना बड़ा बेलें। आपको मीडियम साइज में बनाते हैं हमेशा, तो मीडियम साइज ही अच्छा लगता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम। हम इंडक्शन पे दूर चढ़ाए हैं गर्म होने के लिए, जो गर्म हो गया तो उसे हम बंद कर दिए। तो इधर दूसरा लोया भी हम वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा पर्थन लगा के बेल लेंगे, उसके बाद जितना इसमें सत्तू ले तो उसको भी उतना हिसाब से बेल के भर लेंगे। और देखिए दिन प्रतिदिन ठंडा बढ़ते जा रहा है, अभी 3 मंथ और बचा हुआ है ठंडा, तो ठंडा इतना है तो ठंडा में तो सत्तू का पराठा खाना बनता ही है। बहुत लोग अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं सत्तू का पराठा और सत्तू का लिट्टी, बहुत सारा चीज़ बनता है सत्तू से। तो अब ये सत्तू का पराठा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम बेल के रेडी कर लिए हैं, उधर मेरा तवा भी गर्म हो गया है, तो चलिए हम आप लोग को आग में पका के दिखाते हैं। सारा पका के दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को दो वो ही पका के दिखाएंगे। तो अभी हम सारा सामान लेके जाते हैं, प्लेट रखते हैं इस पर और जाते हैं हम बाहर बनाने के लिए। वो अभी इमरजेंसी के लिए हम लकड़ी के चूल्हा में बना रहे हैं, क्योंकि ठंडा में ना आग पे बनाने में अच्छा लगता है, ठंड भी नहीं लगता और इसलिए बन भी जाता है। तो अभी मेरा तवा गर्म हो गया है तो उसमें भी हम रोटी डाल लेंगे। तो अभी हम डाल दिए, आग पे पका हुआ खाना का टेस्ट ही अलग होता है। तो इस पराठा को गर्मा गर्म खाने में बहुत यम लगता है। आप इसे चाय या फिर लाल चटनी, पीली चटनी या सबसे ज़्यादा चिकन के साथ इसे खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है चिकन के साथ खाने में। तो फिर इसे एक साइड पक गया है तो फिर इसे हम पलट देंगे। इसे चारों तरफ से अच्छे से पका लें उलट पलट के। एक साइड पक जाए तो दूसरी साइड तरफ थोड़ा सा तेल लगाएं, आपके पास जो तेल हो, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइन ऑयल या फिर घी, घी बेटर रहेगा, लेकिन मेरे पास नहीं था तो अभी हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। देखिए इसमें भी मस्टर्ड ऑयल डाल दी। दूसरे साइड भी तेल लगा लेंगे और इसे अच्छे से उलट पलट के सिक्के पकने दे, अच्छे से क्रिस्प होके पूरा। तो देखिए कितना अच्छे से पक गया है। इसी तरह हम दूसरा भी पका लेंगे। एक साइड पक जाने के बाद दूसरे साइड पलट देंगे, उलट पलट के अच्छे से पकाएंगे क्रिस्प होने तक। आराम से धीरे धीरे पकाएं और आग में ही पका कर ट्राई कीजिएगा, आग में पकाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम दूसरा भी मेरा पक गया है तो इसके उसमें भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे अच्छे से और चारों तरफ मिला देंगे। तो देखिए ये भी बन के रेडी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है बना हुआ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।